मुस्कराइए। को लेकर किस तरह की योजना है चुनाव लड़ने का? 2027 में तो हम मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। पूरी योजनाएं हमारी यही है कि जितनी भी धरातल में व्यवस्थाएं हम पहुँचा सके, हम हर एक व्यक्तियों के पास पहुँच सके, उसी तरीके से मजबूत हो रहे हैं। गाँव गाँव जाके हम खड़े हो पाएंगे, उसी से मजबूत हो। 2027 में क्या आप अलायंस बन के चुनाव लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे? पूरा अभी तो जैसा कि आपको जानी है, हमारे माननीय अध्यक्ष जी का बीजेपी के साथ राष्ट्रीय स्तर पर संगठन हमारा गठबंधन है, सकेगा तो हम देश में बीजेपी के साथ मिलकर ही गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे और बहुत मजबूती से हर अपने व्यक्ति को हम सारी सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद तो बहुत सारी है क्योंकि हमारा संगठन बहुत मजबूत है। अगर हमें सपोर्ट मिलता है बीजेपी की तरफ से तो हम तैयार हैं, जो भी सीटें हमें मिल जाती हैं, अगर 20-30-50 जो भी सीटें मिलेंगी हम मजबूती से लड़ सकेंगे। नहीं तो हमारा संगठन मजबूत है, निर्दयी लड़ेंगे, अपनी पार्टी से लड़ेंगे। उपचुनाव में आपकी पार्टी लड़ेगी? उपचुनाव में कोशिश है, हम शीर्ष नेतृत्व ने अभी पूरा बताया नहीं, लेकिन कोशिश हमारी यही है उत्तर प्रदेश में जो सीटें हमें मिल जाएंगी हम उनपे तैयार हैं। कहीं से भी हमें सीट अगर मिलती है हम उसके लिए प्रॉपर तैयार हैं। आपकी पार्टी जमीन पे तो दिखती नहीं है जी, को लेकर के आपकी पार्टी की सारी इकाइयों का टूट चुका है। फिर से माफी चाहूंगा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड जी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में सभी इकाइयों घटना को हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। जिस तरीके से देखा जाता है लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में आपको एक भी सीट नहीं, क्या आने वाले 10 सीटों तक आपकी पार्टी को सीटें मिलने की उम्मीद है? अभी उपचुनाव में सीट मिली नहीं है ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और उससे हमारी पूरी वार्तालाप अध्यक्ष जी के साथ में होगी, उसी हिसाब से राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा पूरा बैठ के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी पहुँचेंगे। अभी 22 या 23 तारीख में जा रहे हैं आप, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में शामिल होंगे, तो वहाँ से डिसाइड होगा कि हमें सीटें मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। मिल रही होगी तो हम उसके लिए तैयार हैं, प्रॉपर तैयार हैं, और नहीं भी मिल रही हैं तो अगर हमें हमारा शीर्ष नेतृत्व पूरा सलाह देता है तो बीजेपी को पूरा सपोर्ट भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आपका अभी तक कोई भी प्रदर्शन नहीं हुआ किसी मुद्दे को लेकर के, क्या वजह है? वजह ये रही है कि प्रदर्शन अभी हम लोग शुरू हुए हैं, संगठन हमारा मजबूत हुई, लेकिन अब हमारा प्रदर्शन भी शुरू होगा, सारी चीज़ें शुरुआत में अब आ जाएंगी सारी पाइप लाइन। जी आप तो गठबंधन में है ना, आप कैसे कैसे विरोध कैसे करेंगे जनता भाई, सरकार का विरोध कैसे करेंगे? हो रही है हम उसी चीज को लेके जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। बुंदेलखंड में शायद उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र से ज्यादा मजबूत है हमारी पार्टी। किस तरह की तैयारी है बुंदेलखंड में? संगठन पूरी तरह तैयार है हमारा, जिले लेवल का संगठन तैयार है, बराबर मेहनत चल रही है। अभी अभी पार्टी हमारी खड़ी हुई है और कंटिन्यू इस पार्टी जोर पकड़ती जा रही है और लोगों के अंदर काफ़ी जोश उत्साह है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि लोग उस चीज़ को तोड़ रहे हैं। जैसे कि हमारे चिराग जी के वाले साहब पासवान जी, जिस तरीके से उन्होंने काम किया, उनके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी से हम लोग उम्मीद रखते हैं कि आप उनसे भी अच्छा काम करके बताएंगे दुनिया, क्योंकि आज का ज़माना बदल चुका है और वो बहुत अच्छा हम लोगों को लेकर चल रहे हैं सबको। और हम लोग दलितों के मसीहा तो रही है, लेकिन अब आवाम की भी बात को लेकर हमेशा आगे रहेंगे। वेस्ट बंगाल में जो घटना घटी है उस पर आपकी पार्टी का क्या रोल? उसके बारे में हमें नहीं मालूम।